गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑल ऑफ यू, आप सभी का एम के शाह क्लासेज में स्वागत है। ये दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह चल रहा है, जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित हम लोग बौद्ध धर्म और शैव एवं भागवत धर्म से संबंधित जितने भी वन लाइनर हैं और जो फैक्ट्स हैं उनको दोस्तों देखेंगे, जो कि अपकमिंग आपके एग्जाम जैसे आर ओ हो गया या UPPCS हो गया या UPP हो गया, इन सभी एग्जामों के लिए प्लस स्टेट PCS के लिए ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ जो लोग CTET दे रहे हैं या UPTET दे रहे हैं, वहाँ पर भी जो है जूनियर सेक्शन में जो आपका जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट बनता है वहाँ के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और साथ ही साथ ये छठा लेक्चर है, इससे पहले जो है प्राचीन भारत के इतिहास के 5 लेक्चर जो है अपलोड हुए हैं, तो जो लोग ना देखे हों शेष 5 लेक्चर तो वो वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके चैप्टर बाय चैप्टर और लेक्चर बाय लेक्चर देख सकते हैं NCERT वन लाइनर जो सार संग्रह है। और हमारा NCERT सार संग्रह जो चल रहा था इसमें हमारा कंप्लीट हो गया, इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो गया है और साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, पर्यावरण पारिस्थितिकी कंप्लीट हो गया है, साइंस में अगर देखा जाए तो जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये भी कंप्लीट हो गया है। तो और इसके साथ अब हम लोग हिस्ट्री में चल रहे हैं और हिस्ट्री में प्राचीन भारत के इतिहास का 6 लेक्चर है। तो जिन लोगों को देखना हो NCERT ऑनलाइनर प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोस देख सकते हैं और सब चैप्टर बाय चैप्टर सब अलग अलग टॉपिक का अलग अलग जो है बना हुआ है, आसानी से देख सकते हैं और अच्छा स्कोर करें। अच्छा स्कोर करने के लिए दोस्तों ये वन लाइनर आप देख लीजिए, उसके बाद इससे रिलेटेड हर टॉपिक जो भी कंप्लीट हो रहे हैं उससे रिलेटेड आपके MCQ दिए जाएंगे, ताकि जब आप वन लाइनर पढ़े रहेंगे तो MCQ आप बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। और यदि आप लोगों के सिलेक्शन में दोस्तों यदि मेरा 10 से 20% भी योगदान रहा तो मैं ये समझूंगा कि हमें हमारे जो है आत्मा को बहुत ही संतुष्टि मिलेगी कि चलिए किसी के काम कुछ आए। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जो आपका पहला जो टॉपिक है बौद्ध धर्म से है, उसके बाद शैव एवं भागवत धर्म देखेंगे। तो बौद्ध धर्म में देखते हैं क्वेश्चन जो आपके बनते हैं हर एग्जामों में, लगभग में सभी एग्जामों में देखने को मिलते हैं बौद्ध धर्म से क्वेश्चन। पहला कह रहा है कि महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं दोस्तों, तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई, तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वह त्रिपिटक के रूप में जो है संकलित की गई। और त्रिपिटक जो है कई बार पूछा गया है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिपिटक दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगला जो है महाविनिष्कर्मण, ये कई बार दोस्तों कई एग्जामों में देखने को मिला है क्वेश्चन कि महाविनिष्कर्मण से क्या तात्पर्य है, तो ये दोस्तों बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है, जब महात्मा बुद्ध ने गृह को त्याग किया था, घर को त्याग किया था, तो उस घटना को महाविनिष्कर्मण के नाम से जाना जाता है। या ऐसे पूछ सकता है, मैचिंग में भी कई बार क्वेश्चन बना है कि महाविनिष्कर्मण का मतलब क्या है, तो बुद्ध के त्याग की गृह त्याग की घटना से संबंधित है, या बुद्ध के गृह त्याग की घटना से संबंधित कौन सा तत्व है, तो उसे आप कहेंगे महाविनिष्कर्मण। ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला जो बौद्ध संप्रदाय है वह कौन सा है दोस्तों, तो वो है महायान। जैसे बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान, तो जो ईश्वर के रूप में बुद्ध को मानते हैं वो जो संप्रदाय है वो महायान है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किस बौद्ध संगीत में बौद्ध संघ जो है अस्थाविरवादी तथा महासंघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ, तो ये दोस्तों विभाजित हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीत में ये 2 भागों में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बौद्ध मत के उपसंपदा पद, बौद्ध धर्म के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है, तो ये दोस्तों है कि बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था, यानी जो बौद्ध भिक्षु होते थे
वो जब धर्म का परिवर्तन करते थे तो धर्म परिवर्तन की जो अंतिम अवस्था होती थी उसे उपसंपदा जो है पद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बुद्ध, बुद्ध किसके राजकाल में कौशाम्बी आए थे, यानी बुद्ध कौशाम्बी आए और उस समय जो है किसका राज था, यानी राजकाल किसका था, तो उस समय दोस्तों उदयन का राज था और उदयन के काल में ही बुद्ध कौशाम्बी आए थे। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म में शून्यवाद, शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ और इसका जो प्रभाव है वो दोस्तों शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा है और इसी कारण से इसे प्रच्छन्न प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट कह रहा है कि बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि बौद्ध धर्म के कितने आर्य सत्य हैं, तो चार आर्य सत्य हैं और वो चार आर्य सत्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों दुख है पहला, दूसरा है दुख का समुदाय और तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये चार आर्य बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि बौद्धों की जो रामायण है, बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित, बुद्ध चरित एक पुस्तक है और इस बुद्ध चरित की जो है रचना अश्वघोष ने किया। कई बार ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है, अश्वघोष है। और बुद्ध चरित में दोस्तों ये बुद्ध चरित को ये बौद्धों की रामायण के नाम से जाना जाता है, यानी बुद्ध चरित को बौद्धों की रामायण कहा जाता है और रामायण के रूप में प्रसिद्ध है बुद्ध चरित। इसकी रचना अश्वघोष ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अशोक का कौन सा एक अभिलेख है, अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यानी गौतम बुद्ध का तो जन्म लुम्बिनी में हुआ था लेकिन ये किस अभिलेख से सत्यापित होता है। तो ये दोस्तों रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि बौद्ध धर्म के जो महायान शाखा है और हीनयान शाखा, यानी महायान और हीनयान संप्रदायों में जो सर्वाधिक मौलिक अंतर है वह कौन सा है। तो जो अंतर देखने को मिला है वो मिला है दोस्तों देवी देवताओं की पूजा के संबंध में अंतर देखने को मिला है, यानी कि इसमें बौद्ध धर्म के जो महायान शाखा है और हीनयान शाखा में जो दोनों में मेन डिफरेंस है वो है देवी देवताओं की पूजा से सर्वाधिक मौलिक अंतर देखने को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बुद्ध की जो सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण है, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण दोस्तों ये गंधार शैली में हुआ है। तो बुद्ध की जो सबसे ज्यादा मूर्तियां बनाई गई हैं, ये भी पूछ सकता है कि बुद्ध की अधिकतर मूर्तियां किस शैली में निर्मित की गई, तो गंधार शैली में निर्मित हुई और बुद्ध की जो प्रथम प्रतिमा है वह मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई है। ये भी ध्यान रखिएगा कि बुद्ध की प्रथम जो प्रतिमा बनाई गई वो मथुरा कला शैली में, लेकिन अगर ये पूछे कि बुद्ध के अधिकतर जो है मूर्तियां वो किस शैली में निर्मित की गई, तो वो निर्मित की गई गंधार शैली में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है। तो ये दोस्तों प्रथम उपदेश यानी बुद्ध के प्रथम उपदेश में जो है बुद्ध के जीवन की इस घटना का चित्रण किया गया है, मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है प्रथम उपदेश में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बोध गया जो कि बिहार में है, तो बोध गया के महाबोध मंदिर का जो संबंध है वो दोस्तों गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है। तो ये घटना जो है ये गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की घटना से संबंधित है, यानी जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी घटना से संबंधित है। और ये कहाँ प्राप्त है, बोध गया के महाबोध मंदिर का जो संबंध है वो गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से, तो ये घटना जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इस घटना के माध्यम से। और अगला है कि बुद्ध के जो उपदेश हैं वह किससे संबंधित है, तो बुद्ध के जो उपदेश हैं वो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। दोस्तों ये फैक्ट बौद्ध से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो दोस्तों महात्मा बुद्ध हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, महात्मा बुद्ध। और अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और कहाँ हुआ था, तो
तो लुम्बनी नामक वन में हुआ था। और लुम्बनी वन कहाँ है, ये कपिलवस्तु में है जो कि वर्तमान रुमनदेही नेपाल में पड़ता है दोस्तों। तो इनका जन्म क्लियर हुआ कि लुम्बनी वन में हुआ, और लुम्बनी कहाँ है, नेपाल में है, जो कि कपिलवस्तु वर्तमान जो है रुमनदेही में पड़ता है, और रुमनदेही कहाँ है, नेपाल में। और इनके पिता का नाम दोस्तों सुद्धोधन है। क्वेश्चन कई बार बना है वन लाइनर में कि महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम है, सुद्धोधन। माता का नाम महामाया देवी। तो जो सुद्धोधन है ये शाक के राजा कपिलवस्तु के शासक थे, शाक्यों के राज कपिलवस्तु के शासक थे सुद्धोधन। माता इनकी जो थी वो महामाया देवी था, और ये कोलियर गणराज की जो है राजकुमारी थी। और बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ये गोत्र यानी गौतम के नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे हम लोग देखते हैं इनका पालन पोषण। इनका पालन पोषण जो है, इनकी जो विमाता थी प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका लालन पालन हुआ। और इनकी पत्नी का नाम, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, जो कि कोलिय गणराज की राजकुमारी थी। और इनके एक पुत्र हुई हुआ, और महात्मा बुद्ध के जो पुत्र थे उनका नाम राहुल था। इनके एक सारथी थे, जो सारथी मतलब जो रथ को चलाते थे, और सारथी का नाम दोस्तों चन्ना था। इनके पास एक घोड़ा था और घोड़े का नाम कंथक था। ज्ञान प्राप्ति का जो स्थल है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों गया में, जो कि बोधगया बिहार में पड़ता है। गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना नदी के तट पर घटना जो है संबोधित है, यानी निरंजना नदी के तट के पास गया में, जो कि ये बोधगया बिहार में पड़ता है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और पहला उपदेश दोस्तों इन्होंने प्रथम उपदेश का जो स्थल है इन्होंने दिया था पहला उपदेश ऋषि पत्तन, जो कि सारनाथ में पड़ता है। और सारनाथ आपका कहाँ है, बनारस में है, बनारस में है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी पहला उपदेश जो है महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और सारनाथ में ऋषि पत्तन नामक एक स्थान है वहां पर। और इनके शिष्य जो पहले जो शिष्य थे वो दोस्तों आनंद व उपाली, ये शिष्य थे इनके महात्मा बुद्ध के। धर्म प्रचार का जो स्थल था वह शाक, काशी, मगध, अंग, मल और कौशल राज्यों में इन्होंने धर्म का प्रचार किया। वज्र, और आगे कह रहा है जीवन का जो अंत हुआ, तो जीवन का जो अंत है, जीवन के अंत की जो घटना है वह महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। या ऐसे सवाल पूछ सकता है कि महापरिनिर्वाण की जो घटना है वो बुद्ध के किस जीवन से संबंधित है, तो महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो बुद्ध के जीवन का अंत की घटना है। और ये 483 ईस्वी पूर्व में, उस समय इनकी आयु 80 वर्ष की थी, और दिन था बैसाख का दिन था, पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा में जो है इनकी मृत्यु हुई। और कहाँ हुई, कुशीनगर में हुई, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये बुद्ध के जीवन काल में कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था, तो ये दोस्तों देवदत्त बनना चाहता था। तो ये रहा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वन लाइनर और मैचिंग और कोट वाले भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में मूर्ति पूजा की जो नींव है वो बौद्ध धर्म ने ही रखी। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में मूर्ति पूजा की नींव किसके द्वारा रखी गई, बौद्ध धर्म के द्वारा रखी गई, तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का ही पूजन किया गया। सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमा, यानी अगर मूर्ति के रूप में देखा जाए तो मूर्ति के रूप में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं का ही पूजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो दोस्तों किस काल में हुई, तो ये गुप्त काल में हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन बना है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में की गई। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अष्टांगिक जो मार्ग है इस संकल्पना किससे संबंधित है, तो अष्टांगिक मार्ग की जो संकल्पना है वह धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानी जाती है। तो दो तीन घटनाएं हुई, एक तो महात्मा बुद्ध के जो अंतिम घटना थी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण, और जो जो है धर्म चक्र परिवर्तन की जो घटना है वो अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध संघ में जो भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों के जो प्रवेश है, स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई, तो बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों के जो प्रवेश की अनुमति है वो दोस्तों वैशाली में दी गई थी। ध्यान रखिएगा, आप बौद्ध संगीतियाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों मैचिंग वाले भी बनते हैं, वन लाइनर भी बन सकते हैं, और बनते भी हैं कई बार क्वेश्चन, यहाँ बौद्ध संगीतियों से क्वेश्चन बने हैं।
तो देखिए जो प्रथम बौद्ध संगीत की जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई वह राजगृह में हुई और उसके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे और शासन उस समय दोस्तों अजात शत्रु का था। अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में किया गया और अध्यक्ष उसके कौन थे, महाकश्यप थे, और कब किया गया, 483 ईस्वी पूर्व में किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन दोस्तों कालाशोक के शासन काल में हुआ और उस जो है द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, तो शावक मीर थे, जो कि इसकी स्थापना जो है स्थान की अगर बात करें तो वैशाली में, यानी द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में हुआ और प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीत की बात करें तो ये 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे तृतीय बौद्ध संगीत के वो मोगली पुत्र तिस थे और अशोक के शासनकाल में दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कालाशोक अजात शत्रु, तो अजात शत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीत, कालाशोक के शासन में द्वितीय और अशोक के शासन में तृतीय बौद्ध संगीत हुई। चतुर्थ जो बौद्ध संगीत हुई वो 98 ईस्वी में हुई और उस समय जो कहाँ हुआ, ये कुंडलवन में हुआ और इसका जो इसके जो अध्यक्ष थे चतुर्थ बौद्ध संगीत के वो थे वसुमित्र थे और शासन उस समय दोस्तों कनिष्ठ का था। तो कनिष्ठ के शासन में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। इनके जो है नंबरिंग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सीरियल पहली राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कभी कभी यही दे देता है और आपको क्रम लगाने को पूछ लेता है, या किसके शासन काल में हुआ तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि पहली बौद्ध संगीत अजात शत्रु, दूसरा कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्ठ, और कहाँ कहाँ हुई, तो पहली जो बौद्ध संगीत हुई राजगिरी, दूसरा जो है वैशाली में हुआ, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैचिंग वाले अधिकतर क्वेश्चन बनने देखने को मिला है, तो वन लाइनर भी बनते हैं लेकिन मैचिंग वाले क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा बनते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा है नागार्जुन, दोस्तों नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो नागार्जुन जो है माध्यमिक संप्रदाय से संबंधित है और ये एक बौद्ध भिक्षु के रूप में भी जाने जाते हैं और विश्व का सबसे ऊंचा यानी विश्व शांति स्तूप, विश्व का जो कि सबसे ऊंचा है विश्व शांति स्तूप के नाम से जाना जाता है और ये बिहार में स्थित है। और बिहार में पूछ रहा है कहाँ स्थित है, तो बिहार के राजगीर में दोस्तों स्थित है ये विश्व शांति स्तूप, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप है। अगला है बुद्ध की 80 फुट, बुद्ध की 80 फुट ऊंची जो प्रतिमा है जो कि बोधगया में स्थित है और किसके द्वारा निर्मित की गई, तो ये दोस्तों जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा बोधगया में जापानियों के द्वारा ये निर्मित किया गया है। अगला है एशिया के ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है या एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध को दोस्तों जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। अगला है शून्यता, शून्यता का जो सिद्धांत है का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले जो बौद्ध दार्शनिक वो कौन थे, तो वो दोस्तों थे नागार्जुन। नागार्जुन ने सबसे पहले शून्यता का सिद्धांत दिया और ये सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले बौद्ध एक दार्शनिक थे और उनका नाम नागार्जुन है। ध्यान रखिएगा नागार्जुन से संबंधित क्वेश्चन कई बार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो ये दोस्तों पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जाना जाता है नौ नालंदा महाविहार। अगला पॉइंट कह रहा है कि बौद्ध तथा जैन, बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही दोस्तों कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको भोगना है और हर इंसान का पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत और कर्म के सिद्धांत पर बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म के जो मत के अनुयायी हैं वो इसको मानते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का जो है स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ, तो गौतम बुद्ध को एक देवता का जो है स्थान एक कनिष्ठ के शासनकाल में दोस्तों मिला है और कनिष्ठ भी एक बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। अगला कह रहा है कि बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई, तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है दोस्तों ये कुषाण काल में बनाई गई, ये भी क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, ध्यान रखिएगा कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का जो है बनाई गई।
अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। तो पहली शताब्दी ईस्वी में एक भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था और उस भारतीय बौद्ध भिक्षु का नाम है दोस्तों नागार्जुन। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। अगला हम लोग देखते हैं कि त्रिपिटक, त्रिपिटक कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया त्रिपिटक के संबंध में, त्रिपिटक तो त्रिपिटक में तीन चीजें हैं, पहला है सुत्पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और ये दोस्तों पूछ लेता है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो जो सुत्पिटक है इसका स्वरूप है पिटकों में बृहत्तम, और विषय इसका है कि बुद्ध के उपदेश और संवादों का संकलन सुत्पिटक में किया गया है। विनय पिटक में ये पिटकों में लघुत्तम है जो कि बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का जो है संकलन किया गया है। अभिधम्म पिटक दोस्तों ये पिटकों में मध्यम है जो कि बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन इसमें किया गया है। तो जब भी क्वेश्चन पूछे कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि बुद्ध के जीवन पर किन चार दृश्यों, चार दृश्यों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। तो बुद्ध के जीवन पर चार दृश्यों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, उसमें है वृद्ध व्यक्ति और बीमार व्यक्ति और मृतक तथा प्रसन्नचित सन्यासी। यानी इन्होंने इन चार दृश्यों का जो है सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव बुद्ध के जीवन पर पड़ा। जब इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा यानी बूढ़े हुए व्यक्ति को देखा, फिर बीमार व्यक्ति को देखा, फिर मृतक को देखा और फिर प्रसन्नचित सन्यासी। तो इन्होंने चारों की तुलना की तो सबसे ज्यादा जो खुशहाल है वो दोस्तों सन्यासी था, और इसलिए तभी से इनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और इन्होंने जो है बौद्ध सन्यासी का रूप धारण किया। आगे कह रहा है कि मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलवन नामक महाविहार बनाया। तो बेलवन नामक महाविहार बनाया था दोस्तों बिंबसार शासक ने। बिंबार जो है बिंबसार ये मगध का शासक था जिसने जिसने बुद्ध के निवास के लिए बेलवन नामक महाविहार का निर्माण कराया था बिंबसार ने। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला दोस्तों कौन थी। तो ये थी प्रजापति गौतमी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। प्रजापति जो गौतमी थी ये प्रथम महिला थी जो कि संघ में प्रवेश करने वाली थी। अगला है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु, अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की। तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम जो वर्षा ऋतु है वो दोस्तों वैशाली में व्यतीत की। कहाँ व्यतीत की, वैशाली में। आगे हम लोग देखते हैं कि संसार अस्थिर है और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो अगर ये पूछा जाए कि संसार अस्थिर है यानी स्थिर नहीं है और क्षणिक मात्र का है, तो ये जो मानता है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक देख लेते हैं। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटना है प्रतीक है और फिर घटना प्रतीक। तो घटना देखिए, जो गर्भ की घटना है वो हाथी का प्रतीक है, जन्म कमल का प्रतीक है, निर्वाण पद चिन्ह का प्रतीक है, प्रथम प्रवचन चक्र का प्रतीक है, ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो वो बोध वृक्ष का प्रतीक है, और यौवन का जो घटना है वो शाण का प्रतीक है, समृद्धि की घटना शेर का प्रतीक है, मृत्यु की घटना स्तूप का प्रतीक है, और गृह त्याग की घटना दोस्तों ये घोड़ा प्रतीक है। तो ये चीज है बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। अब हम लोग देखते हैं आगे के पॉइंट, कह रहा कि गंधार कला, गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया तो किस रूप में, ग्रीक रोमन शैली में। ग्रीक रोमन शैली में गंधार कला में बुद्ध को जो है प्रतिबिंबित किया गया। अगला कह रहा है कि उपोस्थ, उपोस्थ का आचरण कौन करते थे। तो बौद्ध जो भिक्षु थे वो उपोस्थ का आचरण करते थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते थे। तो महायान जो है वो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को जो है पदम पाणी के नाम से जानते थे। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध जो मठ है वो कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ये सिक्किम में आपके स्थित है, ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है या कहाँ स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध जो है शब्दावली में
धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देश निर्देशित होता है। तो धर्म चक्र परिवर्तन से निर्देशित होता है कि बुद्ध का प्रथम उपदेश, बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया वो दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है, यानी धर्म चक्र परिवर्तन को निर्देशित करता है बुद्ध का पहला उपदेश। अगला जो पॉइंट है वो दोस्तों ये कह रहा है कि ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारा। यानी ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की जो संगनी है उसको तारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत उद्गल को मान्यता दी गई है? तो ये है सर्वास्तिक मान्यता दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि महासंघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित होते हैं? तो ये दोस्तों नौ धर्म से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के जो तीन रत्न हैं उसमें क्या शामिल है? तो उसमें दोस्तों बुद्ध शामिल है, धम्म शामिल है और संघ शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है प्रत्येत समुत्पाद के नाम से कारण और कार्य को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला कह रहा है कि प्रत्येत समुत्पाद का जो अर्थ है वो संसार की सभी वस्तुएं किसी ना किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं और इस प्रकार वह जो है इस पर निर्भर है। अर्थात ये जो अर्थ है कि प्रत्येत समुत्पाद का अर्थ यही है कि संसार की सभी वस्तुएं किसी ना किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं और इस प्रकार वह इस पर निर्भर है। अब हम लोग देखते हैं शैव धर्म के अनुसार, तो शैव धर्म में हम लोग देखते हैं कि नैनार कौन थे। नैनार दोस्तों जो शैव उपासक संत होते थे उन्हें नैनार का नाम दिया गया है। नैनार उन्हीं को कहते थे जो शैव उपासक संत होते थे। अगला है मत्त मयूर से क्या तात्पर्य है? मत्त मयूर का अर्थ है कि प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय थे, तो इसी का अर्थ है कि मत्त मयूर। अगला है त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वरी की जो पूजा है वह किस काल में प्रारंभ हुई? तो त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वरी की जो पूजा है वो दोस्तों गुप्त काल में प्रारंभ हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है कि मेघस्तनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी? तो मेघस्तनीज ने भगवान शिव को डायोनिसस की संज्ञा दी। डायोनिसस किसने? मेघस्तनीज ने किसको? भगवान शिव को। और कौन सी संज्ञा दी? डायोनिसस की। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जैन ग्रंथ है उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? तो ये दोस्तों बताया गया है अरिष्टनेमी जो जैन तीर्थंकर थे उनको वासुदेव से संबंध बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लिंग पूजा का प्रथम जो स्पष्ट उल्लेख है वह किस पुराण में मिलता है? तो लिंग पूजा का पहला जो स्पष्ट उल्लेख है वो दोस्तों मत्स्य पुराण में मिलता है, मत्स्य पुराण। अगला पॉइंट है कि अथर्ववेद योम श्वेतांबर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। कहां? अथर्ववेद में योम श्वेतांबर उपनिषद में शिव का एक नाम मिलता है, महादेव मिलता है। और शिव की प्राचीनतम जो मूर्ति है वह पहली शताब्दी ईस्वी की है जो कि मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुडिमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि अर्धनारीश्वरी जो मूर्ति है दोस्तों कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, अर्धनारीश्वरी मूर्ति में आधे शिव और आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं? तो देव और उनकी शक्ति के योग का प्रतीक है। यानी आधा जो शिव है वो देव का प्रतीक है और आधी पार्वती ये उनकी शक्ति के योग का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दक्षिण भारत में जो शैव आंदोलन हुए में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में सबसे ज्यादा जो भूमिका थी वो नैनार संतों की थी दोस्तों। क्योंकि नैनार संतों की जो संख्या कितनी बताई गई है? तो 63 यानी 63 बताई गई है नैनार संतों की संख्या। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का जो प्रारंभ है वो किस काल में हुआ? तो एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का जो प्रारंभ है वो शुंग सातवाहन काल में हुआ। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रमुख दर्शन और उनके प्रतिपादक। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपके चाहे आर ओ हो चाहे यूपीपीसीएस हो
सब में लगभग में क्वेश्चन यहाँ से, चाहे वन डे एग्जाम हो, सब में क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं इस टॉपिक से कि प्रमुख दर्शन और प्रतिपादक। तो दर्शन आधार ग्रंथ और प्रतिपादक, जैसे सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो कपिल मुनि थे, न्याय दर्शन के प्रतिपादक अक्षपाद गौतम थे, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे, और वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कराद या उलोक थे, दोस्तों कई बार पूछा गया है, और मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जयमनि थे, और वेदांत दर्शन के प्रतिपादक वादरायण थे। तो अगर ये देखा जाए आधार ग्रंथ की अगर बात करें, सांख्य दर्शन ये सांख्य सूत्र पर आधारित है, न्याय दर्शन न्याय सूत्र पर, योग दर्शन योग सूत्र पर, वैशेषिक दर्शन वैशेषिक सूत्र पर, मीमांसा पूर्व मीमांसा सूत्र पर, और वेदांत जो है ब्रह्म सूत्र पर आधारित ग्रंथ है। आगे हम लोग देखते हैं संप्रदाय और संस्थापक, संप्रदाय देख लेते हैं और संस्थापक देख लेते हैं। जैसे आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मक्खली पुत्र गोसाल थे, जो कि बहुत बार ये पूछा गया है, और घोर अक्रियावादी जो संप्रदाय था इसके संस्थापक पूरण कश्यप थे, और यदृच्छावाद संप्रदाय के संस्थापक आचार्य अजित केशकाम्बलिन थे, और भौतिकवादी संप्रदाय के जो संस्थापक थे पकुत कच्चायन थे, और अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय बैठली पुत्र थे। दोस्तों मक्खल पुत्र गोसाल कई बार पूछा गया आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि भागवत धर्म का जो प्रवर्तक है वो किसे माना गया है। तो भागवत धर्म के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों वो कृष्ण को माना गया है। किस धर्म में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, तो वो धर्म है छंदोग उपनिषद। छंदोग उपनिषद में सबसे पहले देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है, तो भागवत संप्रदाय के विकास का जो श्रेय है वो दोस्तों गुप्त शासकों को दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, तक्षशिला का निवासी था, और उसके बेश नगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध का वर्णन मिलता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, और इसमें कह रहा है कि कर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है, तो ये दोस्तों मीमांसा से संबंधित है। अगला पॉइंट है कि अवतारवाद, अवतारवाद का जो सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो अवतारवाद का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। अगला पॉइंट है कि भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। समान महत्व धर्म कर्म और भक्ति तीनों को दिया गया है। और आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह दोस्तों है नैमिषारण्य, जो कि सीतापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ध्यान रखिएगा सीतापुर जिला है और उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर नैमिषारण्य पड़ता है, और यहाँ पर 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। अगला पॉइंट कह रहा है कि भागवत संप्रदाय, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप में संख्या कितनी है, तो भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप में जो संख्या है वो दोस्तों 9 बताई गई है, जिसे नवधा भक्ति के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मेघस्तनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया, तो मेघस्तनीज ने कृष्ण को हेराक्लीस के नाम से व्यक्त किया या उल्लेख किया। और लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया, तो दक्षिण भारत में अगर वैष्णव मत का विस्तार किया वो अलवार संतों के द्वारा किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगला है अलवार संतों की संख्या दोस्तों 12 है मानी जाती है, और इन संतों में अंडाल नामक महिला संत भी थी, संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है कि दक्षिण की मीरा के नाम से कौन विख्यात है, तो ये है अंडाल। ये अंडाल जो थी एक महिला संत थी, जो कि आपके अलवार जो संतों की संख्या 12 है, उन्हीं 12 में एक अंडाल नामक महिला संत भी थी, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने कवर किया बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म के साथ साथ स्वयं भागवत धर्म को भी देखा, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आपके ऑनलाइनर थे उनको कवर किया गया। और ये आपका छठा लेक्चर है, इससे पहले 5 लेक्चर हमने बताया
कि प्राचीन भारत के इतिहास से एनसीईआरटी वन लाइनर पड़े हुए हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके पिछली वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी वन लाइनर हमारा यही खाली हिस्ट्री बचा हुआ है, बाकी हमने सब सारा कुछ जो है एनसीईआरटी डाल दिया है वीडियो, और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। चाहे वो आपका इंडियन ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या पर्यावरण पारिस्थितिकी हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो, अब हिस्ट्री बचा हुआ है। हिस्ट्री में भी हम लोगों का छठा लेक्चर है, ये प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है, उसके बाद मेडिवल चलेगा और उसके बाद जो है मॉडर्न। तो इस तरीके से अगर एनसीईआरटी देख लेते हैं तो आपका वन डे एग्जाम लगभग में कोई भी हो तो कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।